गुड मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हैं? समर वैकेशन चल रहा है, आपको अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा आप सभी को टैबलेट दिए गए ई अधिगम योजना के तहत, उसका आपको मैक्सिमम यूज करना है, अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखना है। जैसे ही आप टैबलेट को ऑन करोगे, सबसे पहले आपको दिखेगा हाउ टू बिकम एन ई अधिगम स्टूडेंट। इसको आपने देखना है कि इसमें क्या, कैसे बनोगे आप ई अधिगम स्टूडेंट। यूज योर टैबलेट फॉर 1 आवर पर सब्जेक्ट पर वीक। 12वीं के लिए कितने सब्जेक्ट है? 2 सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश। और तो आपको 1 सप्ताह में 2 घंटे टैबलेट को यूज करना है। अटैम्प्ट 2 रेमेडियल टेस्ट पर सब्जेक्ट पर वीक। कम से कम हर सब्जेक्ट के लिए 2 रेमेडियल टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं, जो डायग्नोसिस टेस्ट के बाद आएंगे। और अटैम्प्ट 2 होमवर्क पर सब्जेक्ट पर वीक, जो आपके टीचर के द्वारा आपके पास भेजा जा रहा है, वो पूरा करना है। अगर आप इन 3 कंडीशन को पूरा करोगे तो आपको ये जो ट्रॉफी दिख रही है आगे, ये आपकी पास होगी। क्योंकि विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा पूरे हरियाणा से 100 विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा, जो टॉप के ई अधिगम स्टूडेंट होंगे। और आपने करना कुछ नहीं है, घर पर ही बैठे बैठे अपने आराम से इस काम को पूरा करना है। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए दे रहा हूँ, स्टेट लेवल असेसमेंट, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, और इसके साथ भी ट्रॉफी है। स्टेट लेवल असेसमेंट में एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ मैं, कि आप जब टैब को ओपन करते थे तो इसमें कौन कौन से विषय मिलते थे। 10वीं के लिए 3, हिंदी इंग्लिश SS, और 12वीं के लिए केवल 2 विषय, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन क्या आपने स्टेट लेवल असेसमेंट को क्लिक किया? हर सप्ताह ये अपडेट किया जा रहा है, पिछले 2 सप्ताह जा चुके हैं और हमारे समर वैकेशन का लास्ट सप्ताह है। अगर आप भी चाहते हो कि मैं समर हीरो बनूं, घर बैठे ही कुछ खिताब जीत पाऊं, तो आप इसको क्लिक करके क्विज को अटेम्प्ट करें और समर हीरो चैलेंज को आप पूरा करें। ये आपके लिए एक चुनौती भी है, और क्योंकि घर पर रहते हुए आपको और भी काम करने होते हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ समय निकालते हुए इसको अटेम्प्ट करना है और आपके स्टडी को लगातार बनाए रखना है। देखिएगा, स्टेट लेवल असेसमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट खासियत क्या हो सकती है? इसमें ये खासियत है कि इसमें सभी सब्जेक्ट के, चाहे आप 10वीं में आपके हिंदी इंग्लिश SS था, अब मैथ और साइंस बाकी सब्जेक्ट भी है। इसी तरह मैं 11वीं और 12वीं के लिए बात करूँ तो आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश था, कॉमर्स के लिए भी हिंदी और इंग्लिश था, और साइंस के लिए भी यही था। तो एक क्वेरी रहती थी बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा, तो स्टेट लेवल असेसमेंट में अब की बार सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन अपडेट किए गए हैं। मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, ये जो एरो का निशान है इसके ऊपर क्लिक करोगे और देखिएगा, ये लास्ट सप्ताह का क्विज चल रहा है, जो 30 जून को इसकी ड्यू डेट है। हिंदी इंग्लिश मैथ इकोनॉमिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस। आपको अटेम्प्ट कैसे करना है? अटेम्प्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं इकोनॉमिक्स का ले रहा हूँ, एक बार अटेम्प्ट नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो इसमें टाइम लिमिट दी हुई है, 15 मिनट के अंदर ये पूरा करना है। लेकिन ये है नहीं कि हड़बड़ी में जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर दो, आपको ध्यान रखना है, सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। केवल इसमें 10 क्वेश्चन दिए हैं और मैक्सिमम मार्क्स 43 है, लेकिन जो करेक्ट आंसर देगा और कम समय लेगा उसके लिए इसमें बोनस पॉइंट भी डिसाइड किए गए हैं। आपको करना क्या है, आई एम रेडी स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे और इसको पूरा करना है, और जो भी क्वेश्चन आए आप पूरा करेंगे। तो सभी बच्चों के लिए ये खुशखबरी की बात है कि आप गर्मियों में समर हीरो चैलेंज की खिताब को आप जीतें और अपना पढ़ाई को टैबलेट के माध्यम से जारी रखें। धन्यवाद सभी 10वीं के बच्चे, 11वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे, जिनके पास टैबलेट है इसको ज़रूर से ज़रूर पूरा करें। इसके साथ साथ टैबलेट में ई बुक्स है, वीडियो है, डायग्नोसिस टेस्ट है, रेमेडियल टेस्ट है, और जो प्रतिदिन आपके अध्यापक आपके पास कार्य होमवर्क भेजते हैं उसको पूरा करना है। होमवर्क आपको यहाँ स्क्रीन पर भी दिखेगा, जैसे यू हैव नो होमवर्क अवेलेबल टूडे, इस बच्चे ने 3 होमवर्क पहले पूरा कर चुका है। और नोटिफिकेशन, जो बेल नोटिफिकेशन है, इनके अंदर भी होमवर्क आएगा, इसको आप क्लिक करके पूरा करना है। सभी बच्चे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आशा है कि आप अपने पढ़ाई को पूरी तरह से पूरा करेंगे। धन्यवाद।